अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी जनाब, आप लोगों को पता है कि हमारा माशाल्लाह से बहुत बाबरकत महीना चल रहा है रमज़ान का, और रमज़ान के रोज़े भी साथ साथ चल रहे हैं और सब हमारी इबादत वगैरह भी साथ साथ चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ ज़ोरों शोर से हमारी जो है ईद की तैयारी भी चल रही है, हमारी क्या मतलब बच्चों की ही, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये ईद जो है पता नहीं, मतलब बस ईद ईद होता है ना कि भाई ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है। लेकिन इनके पापा ने कहा कि बच्चों के तो हम ड्रेसेस वगैरह ले ही लेंगे, सबसे पहले ऐसा करें कि आप अपने लिए सिलेक्ट करें और जाके अपने टेलर को दे दें, ताकि यह है कि वो सिल जाएँ, और वरना ज़ाहिर सी बात आप लोगों को पता है कि टेलर्स के बड़े नखरे होते हैं इस महीने में, तो पता नहीं वो अपने आप को क्या समझ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या है। तो खैर, मैं ये मुझे लेकर गए और हम सब लोगों को लेकर गए, और मुझे कहा कि जब आप ड्रेसेस पसंद करो, तो मुझे कोई ड्रेस ही पसंद नहीं आ रहा था, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। और आप यकीन करें कि सीरियसली मैं अभी देख रही हूँ ना ये व्लॉग बनाते हुए, तो अब मुझे फिर भी अच्छे लग रहे हैं कि नहीं यार ये तो इतने अच्छे थे और मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहे थे। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और ये बेचारे मुझे लेके घूमते रहे तारिक रोड, बहादराबाद, यहाँ वहाँ हर जगह ले गए, लेकिन जनाब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे वैसे भी ना, मतलब मुझे टेलर को जो है उसी से सिलवाने होते, स्टिच उसी से करवाना होता है, मुझे जो है ना मैं उसमें कम्फर्ट फील नहीं करती, ये जो रेडीमेड मिल जाते हैं उसमें मैं बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं कर रही होती। खैर, उसके बाद ये मुझे ले गए लकी वन कि चलो तुम्हें वहाँ समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट यहाँ तो देख लो यार, इधर तो इतने इतने सारे ऑप्शंस भी हैं, मतलब तुम्हें स्टिच भी मिल जाएंगे, अन स्टिच भी मिल जाएंगे। लेकिन खैर, मुझे नहीं समझ में आता इस तरह से एकदम से ना, और जब तक पूरे रमज़ान में जो है आप इधर उधर देखो नहीं, सही से घूमो फिरो नहीं, तो मज़ा भी नहीं आता ना यार। आप सारी इबादत भी करो और सारी चीज़ करो, लेकिन ये आप शॉपिंग जो करो ना, इस शॉपिंग की बात ही अलग होती है। तो खैर, वो मुझे दिखाते रहे और मुझे तो पसंद आना नहीं था, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। हाँ, ये है कि साथ साथ मेरे बच्चों की शॉपिंग होती गई, उन लोगों ने कहा कि मामा आप तो लें या ना लें, यार हम तो जल्दी से ले रहे हैं, हमें तो सब समझ में आ रहा है, आप तो पता नहीं कौन सा अनोखा सूट ढूंढ रही हैं या ऐसा कौन से अनोखे कपड़े ढूंढ रही हैं। यहाँ से हमने हमीन के लिए कुछ ड्रेसेस लिए, और बाबा को यहाँ पे जान माँ से बहुत अच्छी लगी हैं, बाबा कह रहे हैं बहुत वो है रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे। यहाँ 20-20 रियाल की है, 30 रियाल की है, गाइज़ ये आप लोगों को सऊदीया के अंदर 40-50 रियाल की मिलती है, और सनाउल्ला ब्रांड पे लकी वन के अंदर ये आपको 20 रियाल मतलब 2000 रुपये तक की भी मिल जाएगी, नहीं 1650 मिलेगी भाई, अभी दिखाते हैं। यस, तो ये बहुत ही प्यारी हैं, आप देखें इनकी बहुत ही और जनाब ये व्लॉग एडिट करते करते बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं निकल रही हैं कि वो बच्चे या वो लोग जो ईद की शॉपिंग नहीं कर पा रहे, अल्लाह पाक जो है उनके भी इतने अच्छे वसीले बनाए, इतने अच्छे असबाब बनाए कि वो सब भी जो है ईद को बहुत अच्छे से गुजार सकें, और अल्लाह पाक जो है हमें भी इतनी तौफीक दे कि हम जो भी हिस्सा डाल सकें उनकी खुशियों में हम वो भी डालें। मेरे बाबा के साथ गद्दारी, वहाँ पर ड्रेसेस ऐड करवा रहे हैं, उनसे बोले उन्हें बगैर बताए, नहीं नहीं वो उधर जाएंगे, यहीं पे आप देंगे अंकल को, वो वहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे, और ये सीन ये लोग कर रहे हैं। अगर बाबा आप व्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ है व्लॉग देख के। और मम्मा ने अपनी मैचिंग जॉब करवा ले, बस जाके कह दो। चलो भाई अब हम चलते। जी जनाब, तो अब तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, एक ड्रेस भी समझ में नहीं आया, लेकिन यह है कि चलो बच्चों के साथ साथ शॉपिंग जो है वो निपट रही है। और यह है सनाउल्ला स्टोर ना लकी वन में भी, तो यहाँ पर भी आपको जो है सारे ब्रांड्स एक ही साथ मिल जाते हैं, और सच पूछें तो वाकई बहुत अच्छे होते हैं ना, लेकिन वही बात है मुझे तो समझ में आना ही नहीं था। गोल्ड, गोल्ड, अरे गोल्ड प्लेटेड ड्रेस पहनिएगा मम्मा, आप कहाँ गई, और ये देखें शाम को यहाँ से ज्वेलरी भी पसंद आ गई है, नहीं नहीं सॉरी की चेंज है गाइस, पिद्दी है ये, पिद्दी हाई, ये देखें इनका लिप्स। मैं भी क्या करवा कर आई थी, हाँ हम यहाँ से बिल कराएंगे, बोटॉक्स, बोटॉक्स लिप फिलर कराएंगे। और पापा आपको कैसा लग रहा है, आपकी दो बच्चियों की ड्रेस शॉपिंग हो गई ऑलमोस्ट।
मुझे बहुत खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। आपको बेहद खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये है, हम आए हैं आगा नूर, और ये ताशो ने पसंद किया आगा नूर का, थर्ड डे वगैरह पे पहनने के लिए नॉर्मल। चलो ले लो, पापा को बुलाओ प्लीज, घर आए आ जाए। आ जाए दिल दे। ओके लेकिन मैंने जैसे ये बोला था ना, तो लग्जरी वेयर में है ये दोनों, लग्जरी वेयर। हाँ लेकिन दाशो बहुत अच्छा है जो आपने निकाला है यार, अब तक कब नहीं देखो ना, आपके स्लीव ऐसे नहीं है ना, है ऐसे ही है। नहीं ना चंदा, ऐसे अभी आ रहा है। और जनाब शॉपिंग वॉपिंग करते करते अगर आप खाना ना खाएं फिर बैठकर, तो वो शॉपिंग का कहते हैं ना मज़ा दोबारा ही नहीं होता, तो ये खाना तो फिर मस्ट होता है, जिसकी वजह से हम इतना वेट अपना बढ़ा लेते हैं, जो ना कोई टाइमिंग होती है खाने की ना कुछ होती है, लेकिन बस हमें ना शॉपिंग के बाद खाना ज़रूर होता है। तो खैर हम लोग यहाँ पर ऊपर चले गए फूड कोर्ट में, वहाँ जो है बच्चों ने और हम लोगों ने खाना वाना खाया हल्का फुल्का, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। लेकिन अभी भी हमारा शॉपिंग से दिल नहीं भरा था, तो हमने कहा चलें जो है, अब इनके पापा को जो जाना था कहीं काम से, लेकिन हमने कहा यार आप चले जाएं, आप हमें छोड़ दें मतलब गुलशन की तरफ ना, वहाँ चेस वैली हो, मैंने कहा मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा प्लीज़। जी जनाब, तो बस अब हम यहाँ से निकल गए हैं, और निकलने के बाद इन्होंने कहा जी अब मैं तो आप लोगों को कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब शॉपिंग वॉपिंग के लिए, अब आप जो है आराम करें और आराम से घर जाएं। लेकिन मैंने कहा अच्छा आप मुझे घर ना छोड़ें, आप प्लीज़ मुझे मेरी बड़ी बहन के छोड़ दें, हम वहीं पर थोड़ी गप्पे शप्पे लगा। इतना ट्रैफिक दानिश है कि नहीं, क्या लग रहा है? लेकिन अब किन के लेने, ऐसा भी होता है आपको अपने साथ साथ सबकी शॉपिंग करनी होती है। हम चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और ये देखें इधर से मम्मा इतनी टाइम लगाएंगी जितना मम्मा अपने कुत्ते कपड़े सिलेक्ट करते हैं, टाइम नहीं लगाती है। अब हम यहाँ से मम्मा को निकाल निकाल देंगे, सारी फ्रेंड्स पहले देखेंगे कौन सा अच्छा है, कौन सा किसको कितना सूट करेगा, कौन सी मेट कौन सा वाला पहनेगी, हाँ किस किस स्किन टोन कैसी है, उस किस स्किन टोन पर कौन सा कलर जाएगा, मतलब इतना तो मम्मा ने मेरे बारे में नहीं सोचा होगा। कुछ आपको 3 पीस मिलेंगे, 3000 तक कुछ, 4000 तक कुछ, 7000 तक, लेकिन जिस रेंज में अभी हम देख रहे हैं वो है 2499 से 2799 तक की, इसमें हम देख रहे हैं। जी जनाब, तो दानिश ने जो है वहाँ से मुझे अपनी बहन के घर छोड़ा, बहन के घर से मैं उनके ना यहाँ पर बहुत करीब में है ये चेस वैल्यू, तो मैं वहाँ चली गई। मैंने कहा चलें जी अपनी शॉपिंग के साथ साथ जो है बाकी सब लोगों की भी शॉपिंग जो है कंप्लीट कर लेते हैं आज, जो गार्ड्स वगैरह को देनी है या जो मेट्स वगैरह को जो भी सामान देना है उनके कपड़े ईद के, तो वो सारे मैंने लिए और लेके यहाँ से जो है अब हम घर की तरफ जा रहे हैं अपने। और ये ना इतना ज़्यादा बास्केट जो है ना भारी हो गई थी, तो मैंने इन वर्कर्स से ही कहा कि प्लीज़ आप जो है ये गाड़ी तक सामान छोड़ दें, तो ये लोग इतने अच्छे थे कि ना ये सारा सामान ये पहले मुझे नीचे तक इन लोगों ने छोड़ा, यहाँ से छोड़कर जो है फिर ना आगे भी गाड़ी तक ले जाने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही थी, मतलब काफ़ी भारी हो गया था सामान, तो फिर वो जो है इनके ये वर्कर्स ना खुद ही आए गाड़ी तक, जो है इन्होंने हमें ये सब ड्रॉप कर दिया और हम इन सब का सामान लेके भी अपने घर की तरफ आ गए। गाइस यहाँ पे एक बंदा था, वो बोल रहा था अल्लाह नबी के प्यारे रोज़ेदारों उठ जाओ, हमारी सोसाइटी में तो आता नहीं है कोई अभी उठाने, हजम खाला के घर थे जो उनकी सोसाइटी में कोई उठाने आया, लेकिन मसला ये कि वो बंदा चला गया जब तक मैं वीडियो बना रहा।
चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।